अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर वन का जो है वो लास्ट टॉपिक करना है, यानी जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था गायनी में, दैट इज बेसिकली पीसीओस। अब ये मैं आपको लाइक बुक के सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रही हूँ, पहले मैं आपको थोड़े और तरह से पढ़ाना चाहती हूँ जैसे मैंने खुद पढ़ा है। पहले आपने अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ से मुझसे, और उसके बाद इसको बुक से रीड देनी है। सो बेसिकली बेटे स्टार्ट करते हैं, पीसीओस है क्या। पीसीओस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और गायनी ओपीडी में और जो भी हमारे पास पेशेंट्स आती हैं इनफर्टिलिटी के साथ, मोस्टली जो है वो पीसीओस से सफर कर रही होती है। अब पीसीओस का मतलब ये है कि आपके पास ये ओवरी है और ओवरी के अंदर ना पॉलीसिस्ट्स प्रेजेंट है, सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। बीच में काफी ज्यादा स्ट्रोमा होता है, क्या ये करेगा, क्यों है, कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे बेटे, तो यहां पर ना हम लोग इसके कुछ बेसिक फीचर्स लिख लेते हैं जो इस सिंड्रोम में पेशेंट को होते हैं, ठीक है। फ्यूचर्स लिखने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी सारा, हम लोग उसको रिलेट करेंगे कि क्यों क्यों होते हैं, क्या इसके पीछे पैथोजेनेसिस है। नंबर वन वो कहता है कि आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें पेशेंट जो होती है ना, उसके जो साइकिल्स होते हैं ना, वो एन ओव्यूलेटरी होते हैं, ठीक है। एन ओव्यूलेटरी साइकिल होते हैं, एन ओव्यूलेशन होती है। एन ओव्यूलेशन का ये मतलब है बेटे कि ये जो ओवरी है ना, इसमें से एग ओव्यूलेट ही नहीं होता। क्यों ओव्यूलेट नहीं होता, अभी इस बारे बात करेंगे। नंबर टू फीचर ये होता है, बल्कि ऐसे करते हैं यहाँ साइड पे लिख लेते हैं ताकि सारा हम यही डिस्कस कर लें। तो नंबर वन फीचर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका क्या होता है, इसका नंबर वन फीचर होता है एन ओव्यूलेशन। ये पेशेंट जो पीसीओ से सफर कर रही होती है, उसके एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसीलिए जब एन ओव्यूलेशन होती है तो उसको रेगुलर पीरियड्स होते ही नहीं है, क्योंकि जब तक एग नहीं बाहर आएगा, पीछे कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा, वो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल नहीं होगा, ब्लीडिंग भी नहीं होगी। इसलिए बेटे इनके क्या होते हैं, इरेगुलर साइकिल्स, ये सारा मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, इनको बहुत टाइम ऑफ द मतलब 2-3 महीनों तक क्या रहता है, एमिनोरिया रहता है, यानी ब्लीडिंग होती ही नहीं है, और अगर वो भी तो काफी ज्यादा टाइम के बाद होती है, ओलिगोमिनोरिया होता है। और जब ब्लीडिंग होती है बेटे इरेगुलर साइकिल्स, तो जब आपको साइकिल आएगा, यानी काफी दिनों के बाद जब भी साइकिल आएगा, तो उसमें बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। लीगो का मतलब ये होता है कि आपको ना बहुत कम मतलब टाइम के बाद, यानी कि पूरे साल में कोई 4 या 5 साइकिल्स आ गए, ठीक है। और जब ये 4-5 साइकल्स आएंगे, यानी 3 माह बाद 4 माह बाद, तो बहुत हैवी फ्लो होगा। क्यों हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, ये भी हम डिस्कस करते हैं। पेशेंट आती है, उससे पूछते हैं आपकी माहवारी रेगुलर है, वो कहती है नहीं, तो हम कहते हैं जब ब्लीडिंग, कहती है 3-4 माह होते नहीं, और जब होते हैं तो फिर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये चीज इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इन वुमेन्स के अंदर कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट कॉज करता है बेटे, वो होता है हेयर स्यूटिज्म, ठीक है। क्यों होता है अभी मैं बताती हूँ। हेयर स्यूटिज्म होता है, यानी कि इस वुमेन की जो चेहरा होता है, उस चेहरे के ऊपर ना मर्दों की तरह बाल होते हैं काफी ज्यादा, और दाढ़ी, और इस तरह से ना बहुत हेयरी स्किन होती है इनकी, और बहुत बड़ी स्केली सी और टफ सी स्किन होती है। अच्छा, अब ये जो हेयर स्यूटिज्म है, ये इस वजह से होती है, एस्ट्रोजन के लेवल ज्यादा होंगे, ठीक है, एंड्रोजेंस के भी। उसके बाद बेटे यूजुअली ये जो वुमेन्स होती हैं, ये ओबीज होती हैं, ओबेसिटी होती है इनके अंदर, ओबेसिटी के साथ साथ इनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाती है। ये फीचर्स आपने याद रखने हैं, इन्हीं को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और ट्रीटमेंट भी हमारा इन्हीं के ऊपर बेस करता है। तो ये तो वो फीचर्स होंगे जो वो खुद एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। कुछ आपने बेटे लेबोरेटरिकल फीचर्स भी यहाँ पे याद रखने हैं, वो आगे मैं फिर आपको रिलेट करा दूंगी। नंबर वन ये कि इन वुमेन्स के अंदर जो LH-FSH रेशो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। FSH जो है वो LH के निस्बतन कम हो जाता है, 3 गुना LH ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू FSH। क्यों LH ज्यादा होता है, अभी बात करते हैं इसके बारे। दूसरी बात ये बेटे कि इन वुमेन्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है ना, जो सेक्स हार्मोन है, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा रेज्ड होती है। टेस्टोस्टेरोन जब रेज होता है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि पेशेंट की बॉडी के अंदर एंड्रोस्टेरोन जो है वो भी काफी ज्यादा है। और साथ में आपने याद रखना है कि जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। और सीरम के अंदर अगर हम इंसुलिन के लेवल्स चेक करेंगे, तो सीरम में इंसुलिन काफी ज्यादा हो गया, यानी इंसुलिन बनता तो है लेकिन एक्ट नहीं कर रहा होता, जिस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवेलप हुई हुई है। तो पहले जरा सा ना अपने दिमाग के अंदर इन फीचर्स को बिठा लें कि पीसीओस वाली वुमेन एन ओव्यूलेटरी साइकिल के साथ, इरेगुलर साइकिल के साथ, सिटिज्म, ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ आपके पास आएगी। इस वुमेन को देखते ही हम लोग पहचान जाते हैं, मोटी होती है, चेहरे पे बाल होते हैं, स्केली सी स्किन होती है, पूछने पे बताती है रेगुलर साइकिल्स हैं, तो हमें कंफर्म वैसे ही हो जाता है। लेकिन इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग से है, जो मैं आपको एंड पे बताऊंगी। और ये कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं जो हमें आती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एन ओवुलेटरी साइकिल्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें किस तरह से रिलेट होती है बेटे, तो इन चीजों को अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ना, इसमें ओवरी की जो अपीयरेंस है, नंबर वन हम वो याद रखेंगे, ठीक है। तो ओवरी में ऐसे होता है कि 8 से 10 फॉलिकल्स जो हैं वो
लेस देन 9 मिलीमीटर इन साइज की ये फॉलिकल्स होती हैं, और इन फॉलिकल्स के बीच में यहाँ काफी ज्यादा स्ट्रोमा पड़ा हुआ होता है। तो इसके आपने 3 फीचर्स याद रखने हैं जो आपको पेपर में, एमसीक्यू में या कहीं पे भी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। नंबर 1 ये कि मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स हैं लेस देन 9 मिलीमीटर ओवरी के अंदर, ठीक है। मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल 8 to 10 होती हैं, लेस देन 9 मिलीमीटर। उसके बाद नंबर 2 वो कहता है कि ये होगा कि सेंटर में ना काफी ज्यादा थिकन स्ट्रोमा पड़ा हुआ होगा। इस थिकन स्ट्रोमा की बड़ी वैल्यू है, ट्रीटमेंट में भी हम इसको बाहर से ड्रिलिंग करके ब्लीड करते हैं वगैरह वगैरह, वो मैं भी आपको बताती हूँ। और अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो ओवरीज होती हैं, नंबर 1 ओवरी जो है वो हमारे पास थोड़ी सी क्या होगी, इनलार्ज हुई भी होगी। और नंबर 2 वो ये कहता है कि आपने जब अल्ट्रासाउंड करना है ना, तो ये रिंग ऑफ पर्ली अपेयरेंस, जिस तरह मोती नहीं होते मोती, इसने पर्ली अपेयरेंस, तो ये आपने चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि पर्ली अपेयरेंस, अगर रिंग और पर्ली अपेयरेंस है अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो दिस इज कंफर्म कि ये क्या है, पीसीओज ही है। अब बेटे रिलेट करना शुरू करते हैं इसकी पैथोलॉजी के साथ। सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूंगी, वो एक्सप्लेन करूंगी एन ओव्यूलेशन को। यानी हमने कहा कि ये जो वुमेन है इसके एन ओव्यूलेशन होती है, यानी ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती ना, एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि क्यों एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स हैं। अगर आपने पीछे से अच्छे से किया हुआ है, ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बेटे मुझे बताओ कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली ये होता है कि आपकी जो ओवरीज हैं इनके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती हैं। उन प्राइमोर्डियल फॉलिकल के ऊपर जब FSH आके एक्ट करता है, तो हमने कहा कि वहां पे क्या बनना शुरू हो जाती है, प्राइमरी फॉलिकल बनती है, ठीक है। उस प्राइमरी फॉलिकल से आगे हमने कहा था सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से आगे मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनती है, और वो ग्राफियन फॉलिकल क्या करती है, ओव्यूलेट कर देती है, यानी एग जो है वो उसका रिलीज हो जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन हो जाती है और एग आपका फिलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अब अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो बन के इसकी क्या होगी, यस इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन होगी, दिस इज योर नॉर्मल साइकिल, ठीक है। और इस पूरे रूट में जो हार्मोन रोल प्ले करते हैं, वो भी बेटे आपने याद रखने हैं, वो 4 हार्मोन होते हैं। सबसे पहले FSH होता है, उसके बाद फिर एस्ट्रोजन, मेरे बेटे की आवाजें आ रही है पीछे, अच्छा FSH होता है, एस्ट्रोजन होता है, फिर आपके पास LH आता है, और LH की ओव्यूलेशन के बाद पीछे से क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ, इसलिए मैं दोबारा आपको बोर नहीं करूंगी कि किस तरह ये सारे रोल प्ले करते हैं और ये प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अब ये जो वुमेन है, यानी पीसीओज वाली वुमेन है, इसके अंदर एन ओव्यूलेशन क्यों होती है, ऐसा क्या मसला होता है कि इसकी बॉडी के अंदर एन ओव्यूलेशन। वो कहते हैं जैसे ही FSH आता है ना, FSH आता है, तो इनिशियली FSH इतना ज्यादा आता है कि यहां से क्या होना शुरू हो जाती है, 7 से 8 इस पूरे पूल में से 7-8 फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाती है। अब जब ये 7-8 फॉलिकल्स बेटे मैच्योर होती है ना, तो ये एकदम से एस्ट्रोजन जो है वो काफी ज्यादा बनाती है। जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बनता है तो आपको पता है पॉजिटिव फीडबैक जाता है, इससे पहले कि इनमें से कोई एक अपनी मैच्योरेशन की हद तक पहुंचे, ये सारी इक्वल साइज के ऊपर होती हैं, और उतनी देर में यहां से पॉजिटिव फीडबैक चला जाता है और LH बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। अब LH यहां पे आके किस पे एक्ट करे, हमने कहा था इनमें से एक मैच्योर हो जाएगी और LH उस पे एक्ट करेगा, लेकिन इतना टाइम मिला ही नहीं कि यहां से एक मैच्योर होती है, एस्ट्रोजन एकदम से राइज हो गया। अब जब LH आ जाता है बेटे, तो चूंकि इस पे सारी फॉलिकल एक जैसी हैं, तो LH को तो पता ही नहीं मैंने किस पे एक्ट करना है, तो इसलिए बेटे ओव्यूलेशन नहीं हो सकेगी। तो नंबर 1 आपको समझ आ गया कि पीसीओज वाली वुमेन के एन ओव्यूलेटरी साइकिल क्यों होते हैं, क्योंकि एक ग्राफियन फॉलिकल बनती नहीं है, सब इक्वल साइज पे होती है, इस वजह से LH को समझ ही नहीं आती, और LH बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है, तो LH को समझ भी नहीं होती कि आपने किसके ऊपर उसने एक्ट करना है और कहां से होनी है, ठीक है। सो ओव्यूलेशन नहीं होगी। अब मुझे ये बताओ कि पहली चीज तो आप लोगों को समझ आ गई कि एन ओव्यूलेशन होगी ना, अब दूसरी बात समझते हैं कि इरेगुलर ब्लीडिंग की होगी। मुझे ये बताओ बेटे कि जब उसके पास LH नहीं है और एक मिनट जी बेटे, अच्छा तो दूसरी चीज हमने बेटे एन ओव्यूलेशन तो आपको समझ आ गई, दूसरी चीज हमने समझनी है कि इसके अंदर ना जो ब्लीडिंग है वो इरेगुलर क्यों होती है, ठीक है। वो इस वजह से इरेगुलर ब्लीडिंग होती है कि मुझे बताओ कि जब LH ही नहीं है, ठीक है, मतलब ओव्यूलेशन हुई नहीं है, जाहिर है एग बाहर नहीं आया, तो जब बेटे ओव्यूलेशन नहीं हुई है, मैं यहां पे लिख लेती हूँ, जगह थोड़ी कम है, जब ओव्यूलेशन नहीं हुई तो ऑब्वियसली बात है पीछे कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बना, सही है। और यहां पे आप लोग ये भी समझें कि जब एस्ट्रोजन के लेवल्स बहुत ज्यादा थे, तो ना सिर्फ एस्ट्रोजन ऊपर से LH को ले आएगा, मैं इधर ड्रॉ कर लेती हूँ आपका यूट्रस, तो यही एस्ट्रोजन यहां पे क्या कर रहा होगा, बहुत ज्यादा प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी कर रहा होगा। हमने कहा था इस प्रोलिफरेशन को अपोज करने के लिए कौन आता है, प्रोजेस्टेरोन, वो इसको ब्रेक लगाता है और सिक्रेटरी एक्टिविटी शुरू करता है, ऐसे ही हो रहा था ना। तो चूंकि अब ओव्यूलेशन भी नहीं हुई और यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा, इसका मतलब है प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो ये जो प्रोलिफरेशन हो जा रही है, हुई
जा रही हुई जा रही, इसको रोक भी कोई नहीं सकेगा, तो वहां पे सिर्फ क्या होती रहेगी, प्रोलिफरेशन होती रहेगी और सिक्रीटरी एक्टिविटी होगी ही नहीं, क्योंकि सिक्रीटरी एक्टिविटी किस वजह से होती है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, तो सिक्रीटरी एक्टिविटी है ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल भी नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन शेड भी नहीं करेगी। इसलिए बेटे इसका क्या रहता है, ज्यादातर एमिनोरिया रहता है। अब आप ये पूछेंगे कि फिर तो अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन तो कभी शेड करनी नहीं चाहिए, इसको तो कभी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, ये जो कंटिन्यूसली हाइपर प्रोलिफरेशन हो रही है, इस हाइपर प्रोलिफरेशन के साथ क्या होता है, इसको कब कैसे ब्लीडिंग होती है, तो ये बात है बेटे कि रेगुलर नहीं होगी ना, क्योंकि रेगुलर साइकिल चल ही नहीं रहा। ये मेम्ब्रेन एस्ट्रोजन की वजह से, चूंकि यहाँ पे फॉलिकल्स हैं और वो कंटिन्यूसली एस्ट्रोजन बना रही है, तो ये एस्ट्रोजन की वजह से प्रोलिफरेट करेगी 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 बहुत ज्यादा करेगी, ठीक है, समझ लो अगर ये लेवल था तो ये इतनी ज्यादा प्रोलिफरेट हुई, फिर ये इतनी प्रोलिफरेट हुई, फिर ये इतनी प्रोलिफरेट, इतनी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन जब हो जाएगी, तो जो ऊपर वाले बहुत लेवल तक है ना, चलो यहां तक तो ब्लड आ रहा होगा, यहां ब्लड आ रहा होगा, यहां ब्लड, तो ऊपर वाले रीजन में ब्लड नहीं जा सकेगा, ठीक है, जब ऊपर ब्लड नहीं जा सकेगा तो ऊपर क्या डेवलप होगा, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के बाद एस्कीमिया, और एस्कीमिया के बाद वहां से शेडिंग शुरू हो जाएगी। सो दो तीन चार महीने गुजरने के बाद यहां पर जब एस्कीमिया होगा तो एकदम से सारा टिश्यू ब्रेक डाउन होगा और बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग इस वजह से होगी कि ये जो चार पांच छह लेयर प्रोलिफरेट कर चुकी है सारी शेड करेंगी ना, इसलिए ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ होती है। इस वुमेन की मैं आपकी स्पीसीज आपको इससे लग पढ़ा रही थी, मैं ये चाहती थी कि आप लोग इसकी सारी जो बेस है वो समझें, जो बुक के अंदर थोड़ी सी लैग कर रही है, ठीक है। तो नंबर वन बेटे एन ओव्यूलेशन है, क्योंकि ओव्यूलेशन होती नहीं है, और नंबर टू के उसको ए मिनोरिया दो तीन महीने रहते हैं और फिर हैवी ब्लीडिंग की होती है, यहां से पूछा जा सकता है कि क्यों फिर वो ब्लीड कैसे करती है अगर प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं, तो वो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन के बाद जब ऊपर ब्लड नहीं जाएगा, स्कीमिया होगा, तो वो बहुत ज्यादा बेटे वो करेगी, एकदम से क्या बता रही थी, हाँ एकदम से ब्रेक डाउन होगा इस्कीमिया की वजह से, और उस ब्रेक डाउन की वजह से फिर क्या होना शुरू हो जाएगा आपके पास, शेडिंग होगी अप टू 3 मंथ्स बाद। अच्छा, तो ये दो चीजें बेटे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी कि एन ओवुलेशन और ओलिगोमेनोरिया और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्यों होगी। अब थर्ड चीज की बात कर लेते हैं कि ये जो पेशेंट है इसके अंदर हेयर सूटिज्म क्यों होगा, ठीक है। हेयर सूटिज्म और ओबेसिटी को मैं आप लोगों को लिंक कराती हूं, और मुझे यहां से थोड़ा रिमूव ही करना पड़ेगा, जाहिर जगह तो नहीं है। अच्छा, यहां पे बात कर लेते हैं बेटे के रिमार्कर कहां चले गए, अच्छा यहां पे बात कर लेते हैं कि हमने कहा कि नंबर वन इसका जो फीचर है वो एन ओव्यूलेशन है, और एन ओव्यूलेशन को आपने समझ लिया, और नंबर टू इसका जो फीचर है वो है आपके पास इररेगुलर ब्लीडिंग, और इररेगुलर ब्लीडिंग की आपको समझ आ गई कि नॉर्मल इस वजह से नहीं होगी क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, और जब बहुत एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो जाएगी तो उस वजह से फिर एस्कीमिया के बाद एकदम से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। नंबर थ्री मसला ये होता है कि इस वुमेन को ना हेयर सूटिज्म होती है। हेयर सूटिज्म का मतलब यह है कि हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है, मर्दों टाइप दाढ़ी शाड़ी होती है, तो वो हेयर ग्रोथ क्यों होती है, ठीक है। वो हेयर ग्रोथ इसलिए होती है बेटे कि इसके पास ना ये बीच में जो स्ट्रोमा है, हेयर सूटिज्म बच्चे इस वजह से होता है कि हमने कहा कि यहां से जो है वो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होगा तो वो पॉजिटिव फीडबैक से क्या करेगा, एलएच बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कराएगा। ये जो एलएच होता है इस स्ट्रोमा के ऊपर एक्ट करता है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि किन पे भी एक्ट करता है, जो यहां पे थीका सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी, और ये जो स्ट्रोमा होता है ये भी मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कि एंड्रोजन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इन्हेंस हो जाएगी। जब एंड्रोजन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट को या वुमेन को हेयर सूटिज्म होना शुरू हो जाएगा। हेयर सूटिज्म को ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है वो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, जिसमें वो ओवेरियन स्ट्रोमा जो जितना भी है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। ना सिर्फ ये बल्कि यही होगा, जब एंड्रोजेंस बहुत ज्यादा बन रहे होंगे तो हम ये कहेंगे कि जो मैं आपको लेबोरेटरी फाइंडिंग्स लिखवा रही थी कि टेस्टोस्टेरॉन बहुत ज्यादा होगा, टेस्टोस्टेरॉन के साथ कौन बाइंड करता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जब वो इसके साथ बाइंड कर लेगा तो जाहिर है उसके जो फ्री लेवल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी तरह FSH की निस्बतन जो LH के लेवल हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। तो ये कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं रिलेटेड, आपने इनको भी याद रखना है, ठीक है बेटे। सो और क्या होगा, और ये होगा, मुझे पता मैंने बहुत गंद मचा दिया है, लेकिन जो और बात थी वो ये थी बेटे कि सबसे पहले एन ओवुलेशन हो गया, हेयर सोटिज्म हो गया, ये सारी चीजें हो गई, और एंड पे मैंने आपको ये लिखवाया था कि चौथी और पांचवी बात मैंने आपको लिखवाई थी इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी, ठीक है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी का क्या ताल्लुक है, और वो उनकी वजह से, वो कहता है ये फॉलिकल्स ना स्मॉल रह जाती हैं। होता ये है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर चलो ना हो, तो नॉर्मली ये है कि बाहर ये सारा ग्लूकोज पड़ा हुआ ना, तो ये जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स हैं इनको ग्रो करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, और ये ग्लूकोज कब लेती हैं, जब इंसुलिन काम करता है। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन नहीं काम कर सकेगा, तो जाहिर है ये ग्लूकोज भी अंदर नहीं जाएगा, ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे तो ये फॉलिकल ग्रो नहीं करेंगी, बल्कि सारी स्मॉलर रह जाएंगी, और वो भी इक्वल साइज की।
और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बॉडी में डेवलप होती है तो आपको खुद ही पता है कि ओबेसिटी भी हो जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर पीसीओज. यानी पीसीओज को मैं यहाँ पे सारी पैथोलॉजी दोबारा से बताऊं अगर, तो नंबर वन ये होता है कि एन ओवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, प्रॉपर ओवुलेशन नहीं होती. जब प्रॉपर ओवुलेशन नहीं होती तो एग बाहर नहीं जाएगा, तो पीछे कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी खत्म नहीं होगी वहां पर, सिर्फ सिक्रीटरी एक्टिविटी, सॉरी प्रोलिफरेटिव खत्म नहीं होगी और सिक्रीटरी आएगी ही नहीं, ठीक है. और इस वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा. नंबर टू, इरेगुलर ब्लीडिंग की बात हो गई. नंबर थ्री, हेयर सूटिज्म क्यों होता है, क्योंकि बीच में स्ट्रोमा हो जाता है और जितना एलर्ज ज्यादा होगा वो उतना इधर एक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा एंड्रोजन बनेगा, हेयर सूटिज्म होती है. और साथ ही साथ बेटे ये कि इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी की वजह से भी पीसीओज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर देती है कि वो ग्लूकोज नहीं जाने देती, और ग्लूकोज अगर नहीं जाएगा तो फॉलिकल्स मेच्योर नहीं होगी. तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी कि आप लोगों को आने चाहिए हैं. इसके साथ साथ वो कहते हैं कि कभी कभी हमने ये भी देखा कि स्किन के ऊपर ना डार्क वेल्विटी कॉर्नियल डिपॉजिट्स होते हैं और उनको हम एकेंथोसिस नाइग्रेंस कहते हैं, और ये हम इंडिकेट करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है. अब हम लोग फाइनल बात करेंगे, और फाइनल बात में हम ये देखेंगे कि हम इस पेशेंट को किस तरह से लाइक ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है. तो इसका ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक